अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रिल वाला ट्राउज़र बताऊंगी कि वो कैसे तैयार किया जाता है। ट्राउज़र मैंने रेडी कर लिया है, जस्ट मैंने फ्रिल लगानी है। आपको भी सबसे पहले अपना ट्राउज़र तैयार कर लेना है। फ्रिल के लिए मैंने लिया है ऑर्गेन्जा का पैच। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अच्छा जी, ये डबल पैच मैंने लिया है। मैं करूँगी इसको कट दरमियान में से। कटिंग किस तरह से करनी है, कैंची से अगर मैं कटिंग करूँगी तो इसकी धागे बहुत निकलते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ये काव्या, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये इलेक्ट्रिशियन में यूज़ होता है। वैसे आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं, सिलाई के कामों में बहुत काम देता है। इसको प्रेस करते हैं और ये आगे से हो जाता है गर्म और मैं इसको फिर कटिंग करूँगी। अभी मैं इसके ऊपर एक कपड़ा बांध देती हूँ ताकि ये गर्म रहे और मैं साथ साथ पैच को पकड़ के इजीली कट कर दूँ। इससे कटिंग करने का ये फ़ायदा है कि इसके धागे नहीं निकलेंगे और ये बड़ा नीट कटिंग होगा और जो है ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप कटिंग करके जॉइंट में इसको डालते हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये देखें, ये कितनी आसानी से इसके साथ कटिंग हो रहा है और कितने मज़े से आराम से कट हो रहा है। बहुत जल्दी कटिंग कर ली थी मैंने इसकी। मैंने कटिंग कर ली है, बीच में से दो हो चुके हैं। अब मैंने करना ये है कि पहले मैं इसकी फ्रिल बना लूँगी। फ्रिल बहुत चल रही है, आप दुपट्टे पे यूज़ कर सकते हैं, शर्ट पे यूज़ कर सकते हैं, ट्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रिल वाला ट्रेंड बड़ा चल रहा है आजकल, बहुत इन है। दुपट्टों पे खास तौर पर बहुत चल रहा है और ट्राउज़र पर भी इन है। 2022 में बहुत चल रहा है ये डिज़ाइन, इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर। ऐसे आप लूज़ हैंड के साथ इसकी बना लें फ्रिल, छोटे छोटे चुनट्स एक दूसरे के साथ डालते रहें। फ्रिल हो चुकी है तैयार। मैंने दोनों जो पैच थे यानी जो अलग किए थे वो मैंने कर लिए हैं तैयार। एक तो रहेगी नीचे लटका कर और एक को मैं दो जो लेयर्स हैं वो ऊपर लगेंगी। उसके लिए मैंने नीचे से ट्राउज़र को कटिंग किया है तकरीबन 4-4 इंच पर। जितनी आपकी फ्रिल है आपने उतना ही नीचे से कटिंग कर देना अपना ट्राउज़र ताकि फ्रिल लग कर आपको पूरा हो। जो कपड़ा हमने नीचे से कट किया उसको ऐसे लगा के अंदर उल्टी तरफ फोल्ड कर देंगे। पहले कपड़े को रखें, फिर फ्रिल को रखें और फिर अपने ट्राउज़र को रखें। सीधी साइड पर फ्रिल लगानी है ताकि जब आप कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करें तो वो उल्टी साइड पर जाए। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। ये एक लेयर लग चुकी है फ्रिल की। अब हमने इसके ऊपर दूसरी और तीसरी लेयर जो लगानी है वो किस तरह से लगानी है, आप फ्रिल का साइज़ देख लें, 3 इंच है। और अब आपने जो ट्राउज़र को काटना है वो 3-3 इंच पर या 2.5-2.5 इंचज़ पर काट लें। 2.5 इंच पर मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि ये जब बीच में फ्रिल लगे तो छोटा ना हो जाए ट्राउज़र। दूसरी लेयर भी जब आप लगाएंगे तो आपने इसी तरह से लगानी है कि सीधी साइड पर आपने फ्रिल को रखना है और उसके ऊपर वो कपड़ा रखना है जो आपने नीचे से कटिंग किया है।
अगेन मैं 2.5 इंच पर ही कटिंग करूँगी, क्योंकि जो तीसरी लेयर हमने लगानी है उसी फ्रिल की लगानी है, और इस फ्रिल का साइज़ था 3 इंच, जिसमें मैं 2.5 इंच की कटिंग कर बीच में फ्रिल एडजस्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, जो ट्राउज़र का पांचा है वो मैंने रखा है 15 इंच, आप भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, आजकल वैसे भी चल रहा है 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, 15 इंच रख सकते हैं, जैसे आपको दिल करे। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो स्मार्ट और टॉल हैं वो पांचा अगर खुला पहने तो उनको सूट करेगा, अगर जो थोड़ी हेल्दी और कम हाइट वाली हैं वो थोड़ा कम ही पांचा रखें। 3 लेयर्स हमारी लग चुकी है ट्राउज़र पे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। ट्राउज़र फुल हो चुका है हमारा तैयार फ्रिल्स लगाने के बाद। ओके जी, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ।